समझने की कोशिश करो मेरे मैं को। कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे के। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आए फिदरेट्स एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो मैं आपको बता दूं यार, थोड़ा दिल्ली से दूर आ रखी हूँ यार, घर पे आ रखी हूँ अपने होम टाउन। तो यार आज सोचा यार, आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने मॉम पे प्रैंक किया था यश चौधरी के साथ मिलके। तो आज मैंने प्रैंक किया अपनी छोटी माँ पे, यानी अपनी मासी पे, जिसके रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। क्योंकि पापा ने बोल दिया था यार कि आज के बाद मम्मी पे प्रैंक नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भसड़ हो गई थी उस वीडियो में ना, मम्मी पे प्रैंक किया था। तो आज छोटी माँ पे प्रैंक करने वाला है, मम्मी प्रैंक करने वाले, रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं जिनमें मेरा साथ दिया इन्होंने। तो देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है क्या नहीं, मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन का नाम, जिसका नाम है OneXBet। ये वेबसाइट बैरिक्लोना, चेलिसा, लिवरपूल और बहुत सारी बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम के साथ पार्टनरशिप में है। तो इसमें आपको साइन अप करके सिंपली कंट्री, करेंसी और मेरा प्रोमो कोड डालना होगा, जो कि है धवन। इससे क्या होगा, जब आप अपना पहला डिपॉजिट करोगे ना, तो आपको 100% बोनस मिलेगा। तो सिंपल इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें मेन्यू बार पर यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स का सिलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है जिसमें आपको, जिस गेम में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिस गेम की आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उस गेम को सिलेक्ट करके उसमें प्रिडिक्शन लगाकर अच्छा खासा पैसा जीत सकते हो। और गाइस इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स भी है, तो गेम खेलो, पैसा कमाओ, खूब सारा, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। तो यार हम ऊपर आ चुके हैं, पता नहीं मम्मी ऊपर है या नहीं है, रूम तो लोग है, लेट्स सी क्या होता है। मैं एक बार मम्मी को कॉल कर लेती हूँ यार, अगर कुछ हो जाए ना बचा लियो और एक्टिंग अच्छी कर लियो प्लीज। डर भी लग रहा है यार मुझे, तो थप्पड़ वप्पड़ पड़े तो बचा लियो बहन, मुझे खुद डर लग रहा है। झूठ तो मुझे बचेगा, तुझे क्या चिंता है। फोन, हेलो, नहीं उठा रहे यार। हेलो, मम्मी कहाँ हो? कहाँ है बेटा तू? मैं यही हूँ स्टेयर्स में, आप कहाँ पे हो? नहीं मैं सो रही हूँ, मैं आप जो। अच्छा सुनो ना, मैं एक बार आ जाऊँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, मेरी एक फ्रेंड आई है। तो मैं सो रही हूँ, मुझे रजिस्टर कर क्या करो उस टाइम। अच्छा अच्छा सॉरी ना, मैं एक 5 मिनट के लिए आऊँगी, फिर आप सो जाना, रेस्ट कर लेना, ठीक है? ठीक है, रूम खोल दो। गुस्से वाली है ज़रा यार, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। मैं आपको बता दूँ, मेरी छोटी मम्मी है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, यानी मेरी मासी। तो लेट्स सी क्या होता है, रिएक्शन कैसे आने वाला है, बहुत डर लग रहा है। क्योंकि मम्मी बहुत ही सॉफ्ट नेचर के है, और जो छोटी माँ है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही खतरनाक है, और ख़तरनाक काम ही होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है ज़रा, एक्टिंग अच्छी हो रही। मम्मी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ये मेरी दोस्त है। हेलो आंटी, अच्छी है ना, सुंदर है ना मेरी दोस्त। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, पता है? कोई बात नहीं, मैं खड़ी हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप सो रहे थे, लेकिन मुझे ना आपसे ज़रूरी बात करनी थी। बोलो क्या? वो यार आप बोलते थे ना मुझे, देखो मैं आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत ज़रूरी बात करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आपकी नींद भी ख़राब कर दी, आपको पता है मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करती आपको। पापा मम्मी कब से बोल रहे हैं ना ये लेट्स शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, तो बहुत ज़्यादा ना दिमाग ख़राब हो रहा है। अब वजह कुछ हो रहा है उसके पीछे, मैं शादी क्यों नहीं कर रही, उम्र भी होगी ये मेरे को पता है। क्यों लड़की शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप संभालोगे ना बात, अगर मैं आपको भरोसा करके कुछ बताऊंगी तो। बताओ। अच्छा ये कैसी है पहले ये बताओ, सुंदर है ना लड़की? तो मैं ये सोच रही थी मम्मी कि वजह कुछ और है, देखो आपको पता है, पापा मम्मी को बताऊंगी तो शायद गुस्सा हो जाएगी, गुस्से वाले नेचर है उनका बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है आप मेरे को समझो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ आपको बताने। तो सिर्फ यही वजह है मैं शादी नहीं करती, कि मुझे ना वो कहते हैं ना लड़कों में ना थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे लड़कियों में है इंटरेस्ट। ये क्या कह रही है? क्योंकि ये मेरी दोस्त है। ये दोस्त है फिर भी कुछ शर्म लिहाज है नहीं है बिल्कुल भी? शर्म लिहाज है मम्मी, क्योंकि मेरा इनमें इंटरेस्ट है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को ये 2-3 महीने से फील हो रहा था और मुझे मेरी बात सुनो मम्मी, गुस्सा मत करो प्लीज, शांत हो जाओ आप, बिल्कुल भी शर्म नहीं रही है, आपकी मम्मी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं क्या बात तो जो मैं मना किया, मैं भेज देती हूँ, लेकिन ऐसी हरकत मत करियो मुझे कल को सुनना पड़े, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती कोई बात है मम्मा, कोई गलत कोई काम कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं ऐसा। वो कितनी बारी मना किया मैंने,
मेरी बात सुनो, आप समझने की कोशिश करो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रहे? नहीं मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या है? क्योंकि मेरे को इससे प्यार है ना, इसलिए, क्योंकि मैं इसके बिना रह नहीं सकती। मेरा लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद है। तो लड़कियां पसंद है, फ्रेंड बना लो लड़के, जल्द शादी के लिए सही है ये? अब ये सुंदर नहीं है। सुंदर से क्या होगा आपको पता है? सुंदर से क्या होगा आपको पता है? गवर्नमेंट ने भी इलीगल कर दिया है, लड़का लड़की जरूरी नहीं है, लड़का लड़की के साथ ही शादी करे। लड़की लड़की भी कर सकती है आज के टाइम में शादी। दिक्कत लड़की करेगी तो बच्चे कहाँ सोएंगे ये बताओ जरा। मम्मी नहीं चाहिए मुझे बच्चे, मैं अडॉप्ट कर लूंगी अगर मेरा मन करेगा तो। मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं किसी के लड़के से शादी करके उसके बकवास करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, समझ गए? मैं जितना तुम्हें प्यार किया ना, तुम उसी से फायदा उठा रहे हो तुम शादी के सारे। मम्मी मेरी बात सुनो, आप समझने की कोशिश करो, आप मम्मी पापा को समझाओ कि मैं एक लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ। ये पापा तुम्हारे राजी नहीं होंगे इसके लिए। तभी मैंने आप पे भरोसा करके आपको बताई है ये बात कि आप सारा चीज़ें संभाल लोगे, लेकिन आप इतना गुस्सा करोगे तो बताओ मैं किसके पास जाऊँगी? मेरा तो आपके सिवा कोई है भी नहीं ना। वो तो सही है, लेकिन बेटा इसके लिए आपको देखना चाहिए ना कि अब ऐसे ये शादी कर, ये तैयार है? हमें तैयार क्योंकि मैं इसको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग तैयार है मम्मी, क्यों नहीं समझ रहे आप? दूसरे के लिए कुछ भी आप एक काम करो, नीचे वाले फ्लोर पे चलो और मम्मी को मम्मी पापा को समझाओ, क्योंकि मैं इसके बिना रह नहीं सकती और मुझे शादी करनी है। मैं तुझे प्लीज आप जानेंगे और फिर अच्छा नहीं होने का। मैं तुझे बार बार मना कर दूंगी इस बातों पे कि ऐसे नहीं करते हैं बिल्कुल। मम्मी इसलिए तो हम आपके पास आए ना कि आप उन्हें समझाओ। आपको समझनी पड़ेगी बात कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। क्यों नहीं समझ रहे आप? समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी अब हाथ क्यों उठा रहे हो ये बताओ। मम्मी मैं नहीं रह सकती उसके बिना ना। चुप हो जा। जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की शादी करे, आजकल ये लीगल है, ये कोई क्राइम नहीं है। मेरे को एक मारू का हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमारा फाइनल है। हम दोनों बस शादी करेंगे तो हम दोनों ही करेंगे। सब है, हम मना लेंगे बस। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और हम कुछ और नहीं देख सकते बस। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये फाइनल है और हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे। यही सिर्फ वजह थी कि मैं नहीं करती थी, हमेशा शादी के लिए झुटलाती थी क्योंकि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है और मैं शादी करके उसकी ज़िंदगी भी तबाह करूँ। मैं नहीं चाहती ना मेरे साथ दो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो, मेरी भी और एक सामने वाले की भी। और इसकी भी हमने लाड़ प्यार किया है तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग आपको बोलते नहीं कि आपकी रिट्स कितनी अच्छी वीडियोज़ बनाती है, प्यारी वीडियोज़ बनाती है, कितनी हेल्प भी करती हूँ मैं लोगों की। आपको तो पता ना जितना मैं कमाती हूँ ना उससे ज़्यादा लोगों की हेल्प कर देती हूँ। मुझे पैसों से मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत मेरे लिए जो बचा कुचेगा वो मैं इसके लिए करूँगी क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़ें। आपको प्राउड फील होता है ना कि लोग बोलते हैं रिट्स कितनी अच्छी वीडियोस बनाती है? वो तो सही है, लेकिन तुमने ऐसे हरकत कर ही क्यों तुमने? मम्मी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, गुस्सा मत करो, आप शांत हो जाओ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ चलो और मम्मी पापा को बताओ नीचे चल के। मैं स्पेशल दिल्ली से इसलिए आई हूँ। और लड़ाई कर लेंगे मेरे उनके साथ। मैं दिल्ली से सिर्फ इसलिए आई हूँ, मैं पहले आपसे मिलूंगी कि आप उन्हें समझाओगे। प्लीज़ मम्मी पापा को समझाओ वरना मैं इसको लेके भाग जाऊँगी। मैं सच बता रही हूँ, हमारा नाम धोना प्लीज समझने की कोशिश करो। इसीलिए तो हम आपके पास आए कि हम भागे ना, हम इज्जत के साथ यहीं रहें। इसीलिए तो हम आपसे बोले कि आप समझाओ प्लीज, हम दोनों नहीं रह सकते, आप समझो। इसलिए अगर आप नहीं समझ सकते तो मुझे बता दो, मैं सिर्फ आपका डिसीजन लेने आई हूँ और अपना डिसीजन बताने भी आई हूँ। आप नहीं समझ सकते, आप एग्री नहीं हो, ठीक है, हम लोग अकेले जाएंगे। मैं स्पेशल दिल्ली से इसलिए आई हूँ कि मैं आप लोगों को समझाऊँ, लेकिन आप नहीं समझते तो मैं मम्मी पापा से बिना बात करें आप अपने बता देना, इसके साथ मैं अपना घर बसाऊँगी, मुझे इसके साथ रहना है। आपके लिए बहुत हैरानी वाली बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं 3 महीने से इसके साथ हूँ, मेरा नहीं है लड़का। समाज में रहना है, समाज में कैसे रहते हैं तुम्हें पता नहीं है? समाज में कैसे लोग रहते हैं, दस मुंह बातें कहेंगे वो, पिछवाई लड़की ने ऐसे करा ऐसे करा। मेरे को पता है लेकिन आप मेरी जिंदगी भी तो देखो ना, समाज के पड़ोसी आएंगे हमारी जिंदगी संवारने के लिए, खुश तो हमें एक दूसरे को रखना है ना। तो मैं इसी समाज में है ना, कहीं दूर से तो आना नहीं है। मैं तूने मुझे इस लायक छोड़ा नहीं है कि मैं कहीं बाहर मुंह दिखाने लायक। तो आप नहीं समझोगे मतलब मुझे तकलीफ हो रही है ना, आप रो रहे हो तो आप समझ नहीं रहे हो। अच्छा सुनो, इधर तो आओ, रोने क्यों लग गए, इधर तो आओ, इधर आओ, चुप हो जाओ। अच्छा सुनो ना, आपको पता ना पापा लास्ट टाइम पापा कितना गुस्सा हो गए थे, मैंने मम्मी पे प्रैंक किया था, तो यार मैंने सोचा हम छोटी माँ पे प्रैंक कर दूँ थोड़ा सा।
मजाक कर रही थी मैं, ऐसा कुछ सच नहीं है, ये मेरी दोस्त है, बस ये इसका मन हो रहा था कि रिट्स मेरे को घर लेके चल मिलवा मम्मी से। देखो सामने कैमरा भी लगा हुआ, देखो सारी सेटिंग कर ली थी। सॉरी मम्मी, मैंने आपको हर्ट किया, पता है आपको, मैं आप लोगों को कभी तकलीफ नहीं देना चाहती। मम्मी एक बात बोलूं, एक दूसरे से प्यार जल्दी हाई कर दो। सॉरी आपको दुखी करा, सॉरी आ जाओ। वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो यार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यार जिसने अभी तक रिट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देख रहे हो यार कितने थप्पड़ खाते हैं, कितनी मार पड़ती है यार, और कितने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं आप लोगों के लिए। जल्दी से मिलियन का सफर पूरा कराओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बाकी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।